हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी गेट और इंजन सर्विसेज की जर्नी में मैंने जो जो सीखा है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आई होप उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी की है, UIIT पंजाब चंडीगढ़ से 2015 में। ठीक है, तो 2015 में फर्स्ट कॉलेज के साथ 251 रैंक आया था मेरा, उससे मुझे एमटेक भी मिला रुड़की IISc बेंगलोर कानपुर में। और फिर मैंने इसी रैंक से MTNL में PSU में जॉब की 4.5 साल, और 2021 22 23 में मेरा ये गेट के रैंक थे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने 2022 में क्रैक किया है। ठीक है, 21 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, 2022 मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। इसके अलावा मैंने नाइलिट STQC साइंटिस्ट बी रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक किया है। नाइलिट MIT साइंटिस्ट बी का रिटर्न क्लियर हो गया था, इंटरव्यू नहीं क्रैक हो पाया। और पंजाब में PSTCL JEE रैंक 2। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड होंगे, कुछ पॉइंट होंगे, वो मैं लिखूंगा और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए, स्पेलिंग्स को इग्नोर करना बस, इंग्लिश के पेशेंस। ठीक है, एक है अनसर्टेनिटी, तीसरा है वो। ठीक है, सबसे पहले देखो, तैयारी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक, पढ़ाई तो बेसिक चीज़ है, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हमें एक माइंड सेट भी चाहिए कि तैयारी करने वाला। ठीक है, अब लाइब्रेरी जाओगे सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा उन वो पढ़ते नहीं हैं, सारा दिन खाली टाइम पास करते हैं, सब पढ़ते हैं। ठीक है, बट पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, तभी दूसरे लोगों से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहे गेट की बात की जाए, ESC की बात की जाए, किसी भी और एग्ज़ाम की बात की जाए, क्योंकि टाइम लगना है। ठीक है, ये कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है कि सुबह कंपनी ने रिटर्न ले लिया, दोपहर में GD ले लिया, शाम को इंटरव्यू, रात तक रिजल्ट आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, आप ये भी अगर एज्यूम कर लोगे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो रहा है, तब भी ये देखो कि 1 साल तो कम से कम आपको गेट की तैयारी के लिए चाहिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, जैसे जनवरी में आपने स्टार्ट किया, अगली फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, 1 साल तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको MTech अगर करना है, IITs के इंटरव्यू देने हैं, PSU के लिए अप्लाई करो तो PSU में भी इंटरव्यू होते हैं, तो करते करते 6-7 महीने इसमें चले जाएंगे। कम से कम 1.5 साल आपको सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार में ही क्लियर करते हो तो, पहली बार में नहीं हो रहा तो 1 साल ऐड करते हुए जाओ। ठीक है, वही अगर मैं ई इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूँ तो उसमें भी आपको कम से कम 1.5 साल तो चाहिए तैयारी के लिए। ठीक है, 1.5 साल तैयारी का हो गया, फिर 1 साल तो पूरा एग्ज़ाम होगा, जनवरी से प्री स्टार्ट होगा, आई थिंक फेब में होगा प्री, फिर जून में, आई थिंक जून में, हाँ जून में मेंस होगा, नवंबर दिसंबर नवंबर तक इंटरव्यू होगा, 1 साल तो ये हो गया, 6 महीने बाद कहीं ज्वाइनिंग आएगी, तो 3 साल तो ये हो गए हैं जब मैं मान रहा हूँ कि आपने पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए, और अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स में घुसोगे टेक्निकल, तो सिर्फ 3-4 एग्ज़ाम ही ऐसे हैं जो फिक्स हैं, गेट, इंजीनियर सर्विसेज, बार्क, या फिर एक दो और हैं कि जो फिक्स हैं कि हर साल आएंगे, उनको आप टारगेट कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम्स कोई 2-3 साल बाद आ रहा है, कोई 4 साल बाद आ रहा है, किसी का सिलेबस में कुछ है, किसी के सिलेबस में कुछ है, किसी में इंटरव्यू है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत वेट करना पड़ता है कई बार कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये तो मान के ही चलो। ठीक है, बहुत जल्दबाजी कहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है अनसर्टेनिटी। हमेशा जब भी हम तैयारी करेंगे, हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। अब कोई, जितने लोग तैयारी करते हैं पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबके मन में एक वो है अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा। ठीक है, अब उसमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, कुछ लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा, कुछ लोग फेल होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को तैयारी भी छोड़नी पड़े। ठीक है, बट ये चीज़ पहले दिन हमें नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए अपना बस बेस्ट एफर्ट देना है। ठीक है, बेस्ट एफर्ट दोगे, अच्छा रैंक आ गया तो जो चाहिए वो मिलेगा, जिस कॉलेज में MTech चाहिए वो मिल जाएगी, जो PSU चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, इतना भरोसा तो रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं 11th जब मैंने नॉन मेडिकल स्टार्ट किया, तो तब पता नहीं होती है चीज़ें, तो उस टाइम गोल क्या होता था कि जो शहर का सरकारी कॉलेज है बस वो मिल जाए,
ठीक है, बस इतने से ही गोल थी, इतने ही सोचने की लिमिट थी कि बस वही हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। बट इतनी वहाँ मेहनत की, ठीक है, AI ट्रिपल होता था उस टाइम पे, क्रैक किया, तो उसके बाद वो तो गोल बहुत छोटा हो गया था, ठीक है। NIT मिल रहे थे, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था, ठीक है। तो बट नहीं पता होता पहले दिन जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि जो आपने अभी गोल बनाया हो, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये रखो, हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि 1 साल बाद मैं कहाँ पे होऊँगा, है ना। हो सकता है इससे बहुत अच्छी जगह पहुँच जाऊँ, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ कर लूँ। और जहाँ पे मैं आज हूँ, मैंने 4 साल पहले सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे होऊँगा, ये कर रहा होऊँगा, ठीक है। तो ये तैयारी में और ज़िंदगी में हमेशा रहेगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ वही है फिर, होप। सबको एक होप ही है ना, उम्मीद है यहाँ कुछ अच्छा होगा, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। पहले से सोचोगे कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो बहुत गलत है, ठीक है। वही कह रहा हूँ कि पहले दिन से अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, हर कोई एक पॉजिटिव होप के साथ तैयारी करता है, चाहे उस वो बाद में 1 साल बाद फेल ही क्यों ना होने वाला हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, और जब तक हम 100% सिलेबस जो भी चीज़ है कर नहीं लेते हैं, तब तक हम कंपटीशन की लाइन में खड़े नहीं हो पाएंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम पास होंगे फेल होंगे। और जब तक हम पूरा करेंगे नहीं, तब तक हम फेल हैं ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा। फिर एक पॉइंट और है कि समझ, ठीक है। तो हर एक, जैसे प्रेपरेशन है, गेट का एग्जाम्पल देता हूँ, तो हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है किसी भी काम करने के लिए, ठीक है। हो सकता है किसी काम में आपकी समझ मेरे से ज़्यादा हो, कुछ चीज़ों में मेरी समझ ज़्यादा हो, तो जिसकी ज़्यादा अच्छे समझ है वो काम अच्छे से कर लेगा, ठीक है। जिसको समझ कम है तो वो हो सकता है फेल हो जाए, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब फेल होने के बाद भी ना समझो, ठीक है। अगर गेट की बात की जाए, गेट में हमें पता है, ठीक है, अब इतने रिसोर्सेज हैं, देखो, अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, यूट्यूब है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे गेट के बारे में पता है कि हमें क्या करना है, सिलेबस करना है पूरा, लेक्चर वगैरह, प्लस रिवीजन। रिवीजन में क्या आता है, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, PYQs, कोई वर्कबुक, ये करना ही करना है, ठीक है। PYQs, वर्कबुक, और फिर टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा, चाहे कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम में पहली बार में क्रैक करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उन्हें वो थोड़ा समझ आ चुका है कि एग्जाम में है क्या, है ना। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो भाई, न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब जिसको ये चीज़ समझ आ गई, अब वो उस चीज़ में लग गया, सिलेबस पूरा किया, रिवीजन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हर तरह के टेस्ट सीरीज लगाई, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की पहली बार में, ठीक है। पर मोस्टली क्या होता है, कहीं जिन लोगों का नहीं क्रैक हो पाता, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि यार ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ बस नोट्स ही पढ़ते रह जाएँ, ठीक है। तो जो सिर्फ नोट्स पढ़ता रह जाएगा उसका नहीं होगा क्रैक, ठीक है। अब ये होगी ना समझ वाली और ना समझी वाली बात। अब जो पहली बार फेल हो गया, अब फेल होने के बाद तो उसको समझ आना चाहिए कि भाई मैंने ये नहीं किया है, ये रीज़न है कि मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है। अगर आप दोबारा ये गलती रिपीट कर रहे हो, फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। पहली बार गलती होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। मैक्सिमम जो, ये मान लो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग फेल ही हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार में ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको तब अच्छे समझ आया था अपनी कमियाँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, और वही तो चीज़ है कि हमें ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम। हर एक चीज़ आपसे कुछ ना कुछ मांगती है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर गेट और ESC की बात की जाए, अगर टेक्निकल सिलेबस मान लो, चलो ऑलमोस्ट ESC का 70-80% गेट जैसा ही है, बट दोनों की डिमांड अलग अलग है। गेट में तो बिल्कुल ही न्यूमेरिकल टाइप आता है, ठीक है, देखो 65 क्वेश्चंस आते हैं 3 घंटे में। ESC में टेक्निकल मुझे लगता है 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो
उससे हमें पता चल गया ना कि यार ESC में उतना डीप न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर उल्टा कर रहे हो कि गेट में सिर्फ सोच रहे हो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ESC के लिए तैयारी कर रहे हो और गेट लेवल तक के गेट के हिसाब से पढ़ रहे हो तो वो भी गलत है। जिस एग्ज़ाम की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तैयारी करनी है। किसी एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड रीजनिंग ज़्यादा पूछ रहा है तो भाई उसको भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब बात की जाए, वही चीज़ है फिर नेक्स्ट प्रोसेस। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना। जैसे अब बात की जाए गेट का प्रोसेस क्या सिंपल सा है, चार चीज़ें हैं बस और कुछ नहीं है। सिलेबस, रिवीजन, रिवीजन में आ जाएगा, रिवीजन का पास्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन ऐसी होनी नहीं है कॉलेज जैसे कि बस नोट्स पढ़ते हो जाओ, ठीक है। रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। वो PYQs प्लस कोई भी वर्कबुक प्लस फिर टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले दो चीज़ें हैं, प्रोसेस पता होना चाहिए हमें कि भाई ये चीज़ है, ठीक है, और ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलो कि नहीं मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना टेस्ट सीरीज के बिना गेट निकल जाए, वो बहुत गलत चीज़ मांग रहे हो फिर आप, ठीक है, वो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो वो प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, पहले तो पता होना चाहिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पते होने से क्या होता है, अब ये नहीं है कि गलती की लोगों को पता नहीं है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये करना है, उनको पता है, पता होने के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना। हमें सबको पता है कि यार हेल्दी कैसे रह जाए, सुबह जल्दी उठो, जिम वगैरह जाओ, एक्सरसाइज करो, सबको पता है, पर मेन प्रॉब्लम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इवन कोई भी काम मान लो कि जो उसका प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो चलो गेट हो गया। अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई की है, ठीक है, मैंने प्रोफेशनली तो नहीं किया, बट कोई भी आप जैसे 1 आवर का वो देखते हो, 1 आवर स्पेशल, या फिर यूट्यूब पे वीडियो ही मान लो 10 15 20 मिनट, ठीक है, 1 घंटे का जब आप किसी का स्टैंड अप शो देखते हो तो उसके पीछे भी एक प्रोसेस है ना, ठीक है। अगर कोई भी बोले कि नहीं मैं तो बस 1 घंटा किस तरीके से लिख लूँ सीधा परफॉर्म कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है, 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ओपन माइक होते हैं जहाँ पे कोई भी जाकर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आपको शुरू में 4 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है, 4 मिनट आप करते हो बार बार, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखते हो, ठीक है, अच्छा करने ले लगते हो, तब जाके 4 के बाद फिर हो सकता है 10 मिनट आपको मिलने लग जाएँ, फिर 10 के 15 हो जाएँ, 15 के 20 हो जाएँ, फिर 30 हो जाएँ, ठीक है, तब जाके 1 घंटे से ऊपर आपके पास जोक्स मटेरियल बनेगा, ठीक है। और ये भी रिपीटेडली चलता रहता है प्रोसेस, जैसे कि हम गेट में करते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया, रिवाइज़ किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, पता चल गया ये कमियां हैं, दोबारा रिवीजन, दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, राउंड वाइज चलता है, वही सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। परफॉर्म किया, पता चला ये जोक नहीं चल रहा, वो जोक नहीं चल रहा, भाई दोबारा देखा उसको क्या कमी है उसमें, इधर उधर कुछ ना कुछ किया तो दोबारा ट्राई किया, ठीक है, तो बस ट्राई करते रहना है। तो ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे मुश्किल लगे चाहे आसान लगे, ठीक है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और फिर वही बात आ जाती है कि जो चीज़ करनी है वो करनी है, ठीक है। अब बोलो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बोर हो जाता हूँ, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाता, करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम चीज़ सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट बोलें तो बोलें कि यार मेरा ये कम्युनिकेशन मुश्किल लगता है, ये मुझे मैथ्स वीक लगता है, उसका इलाज क्या है कि जो चीज़ आपको आसान लगती है तो वो कम एफर्ट में होगी, जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो उसके लिए आपको उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ो कि एक एवरेज लेवल तक तो पहुँचो, है ना। कोई चीज़ मुश्किल लग रही है ऐसा तो है नहीं कि पूरा सब्जेक्ट ही मुश्किल है, उसमें कुछ चीज़ें मुश्किल होगी, तो सबसे पहले हम आसान चीज़ें तो करें, उसमें आसान करने के बाद जो एवरेज चीज़ें हैं वो तो करें, उसके बाद देखें हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ कि तो हर चीज़ का एक स्पेक्ट्रम है ना, कोई चीज़ बिल्कुल आसान लग रही है आपको, कोई हो सकता है बहुत मुश्किल लगे, तो जितनी मुश्किल चीज़ होगी
एफर्ट उतना बढ़ता जाएगा। तो मेरे को थोड़ा एप्टी वगैरह आसान लगता है, ठीक है, इसमें मेरा एफर्ट कम लगता है, ठीक है, कम एफर्ट में हो जाता है चीज़ें। अब जो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि थोड़े न्यूमेरिकल टाइप हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, या फिर नेटवर्क हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, इसमें थोड़ा कंसेप्ट समझने हैं, और न्यूमेरिकल जैसे ही। अब अगर हम इसी में बात करें कम्युनिकेशन और EMFT, मैक्सिमम लोगों को तो ये मुश्किल लगते हैं, ठीक है, मेरे को भी लगते थे, मुझे भी एक चैलेंज लगता था कि यहाँ इसको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको कर लेंगे अच्छे से तो ऑलमोस्ट सारे लोग, बहुत लोग ऐसे आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सब लोग इसी में उलझे रहते हैं कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, ठीक है। तो जितना ही मुश्किल था उतना एफर्ट भी किया मैंने, ठीक है, और सबको करना ही पड़ेगा जो चीज़ मुश्किल लगती है। अब जैसे ये सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स वगैरह बनाए नहीं, अब मेरे EMFT के नोट्स देखोगे, बड़ी मेहनत करके वो नोट्स बनाए हैं, ऐसे कम्युनिकेशन के भी बनाए हैं, ठीक है, नोट्स बनाए अच्छे से, और EMFT में देखोगे क्वेश्चंस जो क्लास में करवाए हैं उसकी मैंने फोटो खींच खींच के लगा रखी है, उसके सोल्यूशन भी लिखे हैं, ठीक है। तो बस यही इलाज है, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुश्किल है उसमें मेरे को एक्सपर्ट बनना है ना, ये तो पहले ट्राई करना ही नहीं है, बस ये करना है कि पहले मैं ठीक ठाक लेवल तक पहुँच जाऊँ, फिर मैं देखता रहूँगा अपने हिसाब से, है ना, हर किसी की लिमिट है। अब मेरी लिमिट है, आपकी लिमिट है, मेरी जितनी लिमिट है उतना मैं कर पूँगा, ठीक है, जितनी लिमिट है बस उससे थोड़ा सा उसको पुश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करूँगा ही नहीं कि जितना मेरा एप्टी और मैथ स्ट्रॉन्ग हो तो मेरा कम्युनिकेशन EMFT हो जाए, उतनी मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और जो मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, कुछ लोग स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर ये सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो उसमें चीज़ें ढूंढो, पूरा सब्जेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या स्पेसिफिक चीज़ मुश्किल लगती है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसका कोई ना कोई इलाज ढूंढो, और मिल जाएगा इलाज, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन की, ठीक है, मोटिवेशन। अब देखो इतना लंबा टाइम है, ठीक है, जैसे मैंने बताया मिनिमम 2-3 साल का खेल तो है ही, देखा जाए ना, इतना ऑन एन एवरेज लग ही जाता सबको, और लगातार सेम मोटिवेशन सेम जोश के साथ लगे रहना बहुत मुश्किल है, सबके लिए है, ठीक है। कभी अगर फील करो कि नहीं मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, सबके साथ ही होता है, ठीक है, 1 महीना बस किसी के साथ ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाता है, कोई लंबे टाइम तक मोटिवेट रहता है, फिर 2-3 महीने में हिम्मत हारता है, ठीक है, तो वो तो सबके साथ ही है। सबसे पहली बात तो मोटिवेशन जो है दो तरीके से हो गया, एक तो इंटरनल है ना, इंटरनल की खुद से ही अंदर से आवाज़ आई कि भाई करना ही है, हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही थोड़ा परमानेंट होता है, लॉन्ग कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म तक चलता है, ठीक है, ये थोड़ा रहता है टेम्परेरी, ठीक है, इसी का फायदा है, ठीक है। अब अगर सुबह उठ रहे हो, सुबह उठना है, नींद खुली, अगर तुम्हारे मन में डर नहीं है ना खुद से ही कि भाई मैं आज उठूं, मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है, ये कंप्लीट करूं, ठीक है, वो अपने अंदर से होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आके उठाए तुमको, है ना, कि तुमको सुबह रोज़ मोटिवेट करे कि भाई उठ जा ये सब करना है, ठीक है, वो तो फिर ज़बरदस्ती होगा, तो खुद से ही होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, चाहिए होता है कभी कभी, बट वो वैसा नहीं होना चाहिए कि रोज़ वही चाहिए, है ना। अगर बोलोगे कि रोज़ सुबह उठ के संदीप महेश्वरी आके पहले गोदी में बैठ के, गोदी में बिठा के एक मोटिवेशन कहानी सुनाए, फिर मैं पढ़ाई करूँगा, फिर तो वो गलत है, ठीक है। अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इससे मोटिवेशन ले रहे हो, तो ये देखने के बाद लगातार पढ़ोगे अगर 10-15 दिन 20 दिन, तभी फ़ायदा है, ठीक है। एक मोटिवेशन वीडियो देख ली, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर शाम को फिर देख ली आधा पौने घंटे की, फिर अगले दिन फिर सुबह देख रहे हो, फिर उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अंदर से आना चाहिए एक, क्यों करना है, इससे मेरे को क्यों क्यों फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्या मेरे में चेंज आएगा जो मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मेरे में तो वो डर ही रहता था हमेशा, जब मैं डर नहीं मतलब कि यही है बस जो है, अगर मैं कॉलेज में 4th ईयर में तैयारी कर रहा था तो मैंने प्लेसमेंट एक दो में बैठा, प्लेसमेंट हुई नहीं, तो मुझे पता था कि बस यही है जो मैं कर रहा हूँ, इसी से मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ होना नहीं है। तो और
जब गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रही थी जॉब स्विच करने के लिए, तब भी मुझे ये लगता था कि बस यही एक चीज़ है जिससे मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ, मैं इसमें अपना 100% दे दूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल अटैचमेंट विद गोल, है ना? कभी भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, है ना? अब इमोशनल अटैचमेंट मतलब कैसे कि मुझे ये बनना है ईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस बनना है, ये बनना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर हो गए, ठीक है, तो वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है? क्योंकि जब तैयारी दिल से तो होती नहीं है ना, इमोशन थोड़े बहुत ठीक है होने चाहिए, एक बंदा पैशनेट होना चाहिए, बट एक लिमिट तक। तैयारी दिमाग से ही होती है, क्योंकि क्या हुआ, ज़्यादा इमोशनल अटैच हो गए, कुछ भी बुरा होगा अगर, ठीक है, चाहे कोई सवाल नहीं बन रहा, कोई टेस्ट अच्छा नहीं गया, तो दिमाग से काम नहीं लोगे, दिल से सोचोगे कि मैं कैसे बनूंगा अभी, ठीक है? कोई मान लो पहला एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, तब भावनाओं में बह जाओगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा तो अटैचमेंट होना नहीं है, ठीक है? अब मैक्सिमम लोग तो ये हैं कि बस गोल से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, कि बस ईएससी ऑफिसर बनना है। अब जो प्रोसेस है, जिस रास्ते पर चल के बनोगे उसको देखो, उससे अटैचमेंट करो, पढ़ाई से, है ना, सवालों से, उससे थोड़ा कर लोगे तो हो सकता है बन जाओ, ठीक है? अगर जैसे अगर देखोगे, और गलत क्या होता अपने आप, जैसे 10th का रिजल्ट आता है, कभी भी देख लेना, कोई भी न्यूज़ आती है तो 10th से बच्चे पूछा जाता है, वो उसका आंसर ये होता है कि आईएएस बन के देश की सेवा करूँगा, ठीक है? अब 10th वाले को क्या पता आईएएस क्या है, क्या नौकरी है, क्या सिलेबस है, बट वो एक दिमाग में डाल दिया जाता है। अगर वहीं पे कोई बस अपने दिमाग में रख ले कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, बस नाम सुन लिया है 3 लेटर का आईएएस, तो हो सकता है कि जब वो सिलेबस देखे उसका इंटरेस्ट ना हो, बट उसने एक गोल बना लिया है, इतना ज़्यादा अटैच हो गया है कि बस उसमें लगा हुआ है ना? और ये बहुत लोगों के साथ होता है, तो इसीलिए गोल के साथ अटैच नहीं होना है, ठीक है, प्रोसेस के साथ भी होना है, तो एन्जॉय करो, ठीक है? जो छोटे छोटे -छोट टारगेट बनाओ अपने, एक लेक्चर देखना, मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, उससे थोड़ा प्यार करोगे तो जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इमोशनल अटैचमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतना अटैच हो जाओगे उस चीज़ से, और जब आप वहाँ पहुँचोगे, है ना, तो 1% चांस ये भी है आपको वो चीज़ पसंद ना आए, ठीक है? चाहे वो एमटेक है, ठीक है, चाहे वो पीएसयू है, चाहे ईएससी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हो उस चीज़ से, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, आप वहाँ पहुँचे, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, है ना? होता है, लोग एमटेक भी छोड़ते हैं, लोग पीएसयू भी छोड़ते हैं, लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज भी छोड़ते हैं, इवन आईएएस भी छोड़ते हैं, ठीक है? तो वहाँ जाके अगर ऐसा होगा, तुमको पसंद नहीं आया, तो तुम खुद सोचोगे कि यार मैं इस चीज़ के लिए परेशान होता था, इस चीज़ से मैंने इतना दिल लगाया इतना, ठीक है? तो ये तो बहुत ध्यान रखना, ठीक है? जितना ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे उतना बर्बाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? और नेक्स्ट जो है ऑनेस्ट, तैयारी हमेशा ऑनेस्टी के साथ होती है, अपने साथ तो रहो, है ना? अब देखो, दूसरों को बताने के लिए यार कुछ भी बोलते रहे, है ना, अगर चलो तो मुझे नहीं आता कोई सब्जेक्ट, अब मैं दूसरे को बोल दूँ हाँ मुझे ये आता है, वो आता है, ठीक है, ये नहीं आता, पर मुझे खुद अपने अंदर तो पता होना चाहिए ना कि यार मुझे ये चीज़, ए सब्जेक्ट मेरा को अच्छा आता है, बी नहीं आता है, ठीक है? जब तक मुझे ही नहीं पता चलेगा मुझे ये आता है या नहीं आता, तो मैं कैसे कुछ करूँगा, ठीक है? दूसरे को दिखाने के लिए कुछ ही बोलते रहो, ठीक है, झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, अगर मुझे पता है कि मुझे ए आता है तो मैं ए पे उस हिसाब से मेहनत करूँगा, ठीक है, अगर मुझे बी नहीं आता है तो मैं बी उस पर और मेहनत करूँगा, अगर मुझे ही नहीं पता है कि मुझे ए आता है मुझे, मैं लगा हुआ हूँ दोबारा पढ़ने, वो भी गलत है, वो भी बेवकूफ़ी है, मुझे बी नहीं आता है पर मैं अपने ही हवा में हूँ कि हाँ मेरे को तो एक्सपर्ट हूँ मैं तो बी में,
वो भी गलत है, वो भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, जहाँ जहाँ अपनी कमियाँ हैं वो अपने को पता हो उतना बेटर है, ताकि उसका इलाज ढूंढा जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस करोगे हर चीज़ का। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 100 क्वेश्चन किए, जो नहीं बने उसका एनालिसिस किया, क्यों नहीं बने, क्या रीज़न उसके पीछे, उसका रीज़न ढूंढा, उसको पूरा किया, टेस्ट दिया, ख़राब हुआ, उसकी वजह जानने की कोशिश की। ठीक है, जब भी कुछ ख़राब हो रो लो आराम से बैठ के। ठीक है, आधा घंटा रो, 1 घंटा रो, 1 दिन रो लो, 1 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट उसके बाद करना तो है ही ना। अगर किसी पेपर में भी फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है ही, है ना। जब तो चलो ये मान ले कि जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, चलो ठीक है, अब उसमें 19-20 का फ़र्क रहेगा, वहाँ तो ठीक है। अगर सपोज गेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, फिर तो बहुत कमी है। ठीक है, या तो कमी क्या है, पढ़ाई में कमी है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किए हो, सकता है टेस्ट सीरीज ना दिए हो सकता है सब कर लिया हो, पेपर अटैम्प्ट करना ना आता हो, वहाँ जाके ब्लैंक हो गए, तो वो भी एक कमी है, उसको भी दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है एनालिसिस। कहीं भी फेल हो आराम से बैठ कर रो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दुख मनाओ, पर एक टाइम के बाद उठो, कॉपी पेन उठाओ, लिखो कि हाँ क्या करना है आगे अब। ठीक है, और खुद को ही करना है ना, कोई भी दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, प्रिपरेशन जो है हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब लगता है कि चलो कोचिंग कर रहे हैं, ये टीचर ने पढ़ा दिया, ये टीचर ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है, ये डाउट करवा दिया, ठीक है, पर जब तक खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, खुद नोट्स लेके नहीं बैठोगे, खुद क्वेश्चंस लेके नहीं बैठोगे, खुद बैठ के टेस्ट रीजनिंग दोगे, खुद एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो आदत पड़ जाएगी ना किसी की कि भाई सिलेबस भी टीचर ने करा दिया है, डाउट्स भी वही ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उन्होंने करवा दिया है, और फिर आदत लग जाएगी पेपर किसने देना है, पेपर तो खुद अकेले बैठ के देना है। ठीक है, उस चीज़ की आदत लगाओ ही मत। ठीक है, और इससे क्या होने लग जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई किसी पे, तो अकेले मन नहीं करता। ठीक है, कि यार ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, ये हो रहा, बैठो आराम से, नहीं हो रहा तो देखो क्यों नहीं हो रहा है। और तैयारी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिन गिनती के 4-5 लोग हैं जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है, बाकी सिर्फ आपको हौसला दे सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, बोल सकते हैं हाँ भाई करो, थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और प्रेपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब कुछ इंसिडेंट, कुछ सिचुएशंस, ठीक है, हो सकता है कि आपके कंट्रोल में हो, कुछ हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल जैसे कैसे आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है, टाइम वेस्ट कम करना है, ये तो आपके कंट्रोल में है ना, कि मैं जो ये 8 घंटे बैठ के पढ़ना है, ठीक है, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस आपको बैठना है, ये चीज़ तो आपके कंट्रोल में ना, आपका मन आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो वो कंट्रोल करके बैठ जाओगे वो अच्छा है। ठीक है, पढ़ना कंट्रोल में है, उसी चीज़ पे फोकस कर सकते हो, पर कुछ चीज़ें जो हैं हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं। ठीक है, इसी चीज़ की टेंशन लेनी है जिस जो हमारे कंट्रोल में है। अब जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसके बारे में फिक्र क्यों करना। ठीक है, अब जैसे मान लो उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि सपोज करो से टाइम वेस्ट हो रहा है, एक तो खुद कर रहे हो, है ना, खुद लगे पड़े हो, कोई मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कभी बीमार पड़ गए, कुछ घर पे काम आ गया, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो ज़रूरी है ना, बीमार पड़ गए हो, रेस्ट लेना, दवा लेना ज़रूरी है, तो उस चीज़ में वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो उसको खुद पे ब्लेम मत करो, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। उसी तरह वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, रिजल्ट कब आएगा नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हो पीएसयू एग्ज़ाम्स की, ठीक है,
जो एग्ज़ाम आ रहा है आपने तैयारी कर ली है, जो एग्ज़ाम आ रहा है आपको देना है पढ़ के, ठीक है। अब पिछले का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एग्ज़ाम देते हुए चलो, जब चीज़ आती जाएगी पता चलता जाएगा, ठीक है। उस मामले में पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और दो चीज़ें और हैं कि जो तैयारी है करना तो है, ठीक है, कोई भी काम है अब ज़रूरी है, ठीक है। अब दो ही चीज़ होती हैं, या तो भी इसको थोड़ा हंस खेल के एंजॉय कर लो, या ज़बरदस्ती कर लो, ठीक है। अब जितना हंस खेल के एंजॉय कर कर लोगे है ना, आपको इस कोई चीज़ आप पे सिक्शन भी है, कोई भी मान लो घर पे होगी, स्कूल कॉलेज में होगी, उसको थोड़ा हंस के वो कर लोगे कि ठीक है यार करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, उतना अच्छा है। जितना ज़बरदस्ती करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। और तैयारी कभी भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है, ठीक है। तैयारी का कुछ पार्ट कह सकते हैं कि हाँ चलो ज़बरदस्ती कर लिया, कि एक सब्जेक्ट मान लो 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो तीन सब्जेक्ट अपने टाइप के नहीं हैं कि थोड़ा कर लिया ज़बरदस्ती, क्या ठीक है करना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा रोध होके कर लिया, ठीक है, वो तो ठीक है। पर कोई भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, पूरा ही ज़बरदस्ती कर रहे हो, तब तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा ध्यान रखना। अब जैसे वही मैंने बताया कि अब कुछ चीज़ें मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, एप्टी मैथ्स वगैरह, अगर मैं मतलब मुझे नहीं, अपने आप को नहीं मनाना पड़ेगा कि मैं यार बैठ के एप्टी पढ़ूँ, ठीक है, ये मेरे अंदर से आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि चलो गेट में तो फिर भी ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाती हैं, वो ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। बट वो पार्ट बहुत कुछ ही सब्जेक्ट होने चाहिए ऐसे, जब पूरा सिलेबस ही ऐसा हो कि ज़बरदस्ती कर रहे हो, बस हर प्री भी ज़बरदस्ती दे रहे हो, मेंस इंटरव्यू किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब तो वो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मेरा ESC में अगर देखा जाए, मैंने जब ESC 2022 दिया ना, मैंने तीनों चीज़ की, मैंने प्री तो चलो दे दिया, प्री मैं दे देता हूँ मतलब MCQs कर लेता हूँ, मेंस किया, मेंस मैंने फेल किया, मैं तो बस कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, ठीक है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा आंसर राइटिंग वगैरह करने में। और इंटरव्यू तो बहुत ही मतलब इंटरव्यू तैयारी का टाइम भी मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, तो मुझे लगा मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो इसलिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया जब मेंस इंटरव्यू के बीच में था कि बस ये लास्ट है, अब हो चाहे ना हो, ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा अपने साथ, ठीक है। अब वो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ दिसंबर में, रिजर्व लिस्ट में आ गया, वो अलग बात है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि हमें कोई ना कोई तरीका इफेक्टिवली, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। वो सबके लिए हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म तैयारी करनी है, जैसे अगर मैं अपना कुछ बताऊं कि मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे आती हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसको इतना अच्छे से पढ़ लूँ कि मुझे दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, उसको समझ लूँ किस तरीके से, ठीक है। मोस्टली जो न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें होती हैं उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ, जैसे कि मान लो कॉन्वोल्यूशन है सिग्नल सिस्टम में, तो मैंने उसको थोड़ा पढ़ लिया है अपने तरीके से कि भाई उसको कैसे भी सवाल आ जाए, ठीक है, थोड़ा उसको विजुलाइज कर लिया है कि कैसे कोई सिग्नल अपना टाइम रिवर्सल हो रहा है, वो कैसे मूव हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैंने अपने हिसाब से कर ली हैं, ठीक है, तो उसमें मुझे कम दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ कुछ चीज़ें कोई ना कोई ट्रिक्स अपनी अपनानी पड़ेंगी जो आपके लिए खुद के लिए बेस्ट हो, क्योंकि जब इतना वास्ट चीज़ें हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट का ही मान लो 10 सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में और सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, फिर इतने एग्ज़ाम आते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर चीज़ हर एग्ज़ाम से पहले पढ़ पाएँ, तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे करने पड़ेंगे कि भाई जो ये 3-4 साल का टाइम है ना, कि भाई इस टॉपिक का ये सवाल तो कभी पूछ लो, ठीक है, वो ट्राई करते रहना है, वो ऐसा नहीं कि पहले दिन से आएगा, वो धीरे धीरे जब करते रहोगे ना बार बार रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ बहुत काम आती है। फिर लास्ट है बस
सब तैयारी वगैरह की बात कर ली। अब देखा जाए तैयारी जो है, अगर प्रिपरेशन की बात की जाए, सबका हैप्पी एंडिंग तो नहीं होगी सबके लिए ना। सबको जो तैयारी स्टार्ट की है, सबको PSU नहीं मिलेगी, सबको M.Tech नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को तैयारी छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है, वो 100% श्योर है ना। कुछ लोगों को छोड़नी ही पड़ेगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कब छोड़ना है। तो कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो ना, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है कि जब नहीं हो पा रहा है कि ज़बरदस्ती करें, ठीक है, उसको छोड़ के अगर कोई और चीज़ लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है, मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जैसे मैंने प्लान M.Tech का था 2015 में, जब मैंने गेट दिया तो मेरा बड़ा ही बहुत पैशनेट था M.Tech के लिए, बट वहाँ जाके मैंने देखा कि नहीं, मेरे से हो ही नहीं रहा M.Tech, ठीक है। तो अगर मैं लगा रहा हूँ कि ज़बरदस्ती की नहीं, मैं तो सोच के आया था कि M.Tech करनी ही है तो मैं करके ही जाऊँगा, अब मैं 5 पॉइंटर के साथ M.Tech से पास हो रहा हूँ, 6 पॉइंटर के साथ, तो इसका मतलब नहीं है। तो जब लगा कि नहीं हो रही है, जॉब मिली तो वहाँ निकल लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और ये खुद को पर्सनली सोचना है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कब बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए। अब सपोज करो कि आपके पास सब चीज़ है, ठीक है, कोचिंग भी है, कोई कमी नहीं है, आपके पास हर तरह की बुक है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो सपोज करो कि 3 साल आप तैयारी किए, 3 बार आपने गेट दिया, आपका गेट का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, ESC दे रहे हो, ESC में प्री में 100 के आसपास भी मार्क्स ही बन रहे हैं इतने साल तैयारी के बाद, और जो बाकी PSU के एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ही दूर हो कट ऑफ से 3 साल की तैयारी के बाद, और ये तब है जब विदाउट जॉब, विदाउट M.Tech, मतलब ऐसी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जॉब के साथ हो यार, जिसके पास जॉब है, जिसको जब करनी, जब तक करनी है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेफ्टी है, बट विदाउट जॉब 3 1 साल हो गए हैं, गेट 3 बार दे दिया, क्रैक नहीं हुआ, ESC में भी 100 के आसपास ही बन रहे हैं टोटल मिला के प्री में, ठीक है, और बाकी कट ऑफ से बहुत ही दूर हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बैठ के सोचना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस साल अगर ESC की बात की जाए, 2023 की, अब सुनने में आ रहा है कि बहुत कम कट ऑफ गया है, अगर कोई बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है और इस साल का कट ऑफ ना निकला हो तो बहुत ही ज़्यादा कमी है आपकी तैयारी में, ठीक है। तो इसके बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं कि भाई यहाँ तो आराम से बैठ के अपने पढ़ने का तरीका बदलो, या फिर बाकी चीज़ एक्सप्लोर करना शुरू करो, ठीक है। तो ये करनी पड़ेंगी, और जैसे मान लो कि जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप पहले साल गेट दिए, ठीक है, चलो टेस्ट सीरीज नहीं दिए, आप डर है, तो कोई भी रीज़न है नहीं दिए, ठीक है, दूसरे साल नहीं दिए, तीसरे साल नहीं दिए, तीनों साल सेम ही चीज़ कर रहे हो कि बस नोट्स ही पढ़ते हुए जा रहे हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढंग से नहीं किए, नेट टेस्ट सीरीज ही, तो उस चीज़ को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, खुद का ही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सेम चीज़ है डर के साथ ना, अगर आपको डर लगता है तो ऐसा तो है नहीं, है ना, वो कोई नहीं है कि डर लगता है, मैं बोल दूं कि हाँ डरने की जरूरत नहीं है, डर ऐसे छू मंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला है ना, पर डर कम होना चाहिए ना धीरे धीरे, है ना। तो वही बात है कि बहुत अच्छी तैयारी है बट पेपर में जाके डर जाते हो, ठीक है, पहले पेपर में डर रहे हो कोई बात नहीं, दूसरे में डर रहे हो, तीसरे में डर रहे हो, जब ये पैटर्न ही नहीं बन जाए कि डर की वजह से पेपर कर ही नहीं पा रहे हो ढंग से, नॉलेज होने के बावजूद भी, तो वो भी तो गलत है, ठीक है। तो उसको जो कम करना पड़ेगा ना धीरे धीरे, कि पहले बहुत ज़्यादा डर है, फिर धीरे धीरे डर खुला कि ये कुछ नहीं है, ये तो मुझे आता है, और अगर वो नहीं कम हो रहा है, हर सेम कहानी रिपीट हो रही है हर साल हर पेपर में, तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कब छोड़ के निकलना है, ठीक है, सही टाइम पे निकलो अच्छा है, क्योंकि प्रिपरेशन एक लूप है, ठीक है, खुद से तो कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी। अब ये एग्ज़ाम आ गया, 4 महीने बाद कोई और एग्ज़ाम है, फिर गेट आ गया, ESC आ गया, फिर ये आ गया, वो आ गया, वो ख़त्म नहीं होगा, उम्र ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, और एक अपना खुद का भी होता है ना सेचुरेशन, ये सेचुरेशन का बात है अपना तैयारी का ना। अब कई बार सेचुरेशन बहुत टेम्पररी रहता है कि ठीक है चलो
लगातार पढ़ रहे हो, एक महीना पढ़ लिए, सेचुरेशन आया कि अब तो मन ही नहीं कर रहा, किताब में एक लाइन भी पढ़ी जा रही, तो उसका ब्रेक लो, एक दिन 2 दिन थोड़ा घूम फिर लो, खा पी लो, फिर पता चले कि हाँ फ्रेश हो गए हैं, ठीक है, माइंड फ्रेश हो गया, काम हो गया, दोबारा पढ़ने लग गए, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेरी सेचुएशन आता है बीच बीच में, तो उसका इलाज है। बट जब सेचुएशन परमानेंट हो जाए कि अब लग ही नहीं रहा कि भाई अब कुछ और पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखो, कब वो परमानेंट सिचुएशन आ गया कि अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि अब तो कुछ और करना है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी जॉब है, हम लगे हुए हैं तैयारी में, तो सेचुएशन आ गया, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, अपना जॉब में कंटिन्यू करो, और बस बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास इतने ही टॉपिक्स, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी। इसके अलावा इसमें किसी भी में डाउट हो ना, कोई भी कमेंट कर सकते हो, या फिर ऐसा लगे कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, ठीक है, वो भी कमेंट कर सकते हो, वो हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कुछ कमेंट कर सकते हो अगर करना है अपनी जर्नी के बारे में, या फिर कुछ डाउट हो, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की, अगर कुछ डिटेल में आंसर चाहिए होगा तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वीडियोस कुछ कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।